गुड सुगेस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियोस। आज की सीरीज में हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमोन फायर रेड। वैसे ये गेम जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे इसे खेलने का। वैसे ट्राई नहीं, खेल ही लेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग इस गेम को कंप्लीट करने का। तो बाकी यहाँ पे प्रोफेसर लोग अपनी फालतू की बातें को लेकर आ चुके हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं सुननी है, तो नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इनकी बातों को स्किप करते हैं, क्योंकि यार ये वही फुद्दू सी बातें। तो यू आर बॉय और गर्ल? तो आई एम बॉय। ओके, नेम रखना है तो मैं अपना नाम रेडी रखने वाला हूँ। ऑब्वियसली रेड इस गेम में इसका नाम है, तो रेडी रखेंगे, और कुछ रखने नहीं वाला मैं तो अभी। ठीक है, और बाकी अपना राइवल आ चुका है, इसका ग्रैंडसन है प्रोफेसर ओक का। ग्रीन रखें या नो नेम? चलो यार अभी फ़िलहाल मैं इसका नाम ग्रीन ही रखता हूँ। हाँ भाई, तेरा नाम ग्रीन ही ठीक है बेटा, क्योंकि तुम ऐसे पिट पिट के ग्रीन ही हो जाएगा। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी अपने गेम की शुरुआत हमेशा की तरह उसी एक कमरे से हो चुकी है, और हमें अपने पीसी में जाके लेना होगा अपना एक पोशन। ले लिया भाई अपने लिए एक पोशन मैंने। नहीं भाई, और कुछ नहीं चाहिए, और जल्दी से चलते हैं अपने रूम में और देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे अपने माता जी बैठे हैं, और भाई माता जी कैसी हो? बढ़िया, सब कुछ अच्छा? ओ यस, प्रोफेसर ओक नेक्स्ट डोर वाज लुकिंग फॉर यू। अच्छा, तो अभी हमें जाना होगा सीधा ही प्रोफेसर ओक की लैब में, और जो यहाँ का सबसे बड़ा घर होगा वही होगा प्रोफेसर ओक का लैब। ऐसे देख लेता हूँ, यही है पोकेमोन रिसर्च लैब। ओ यहाँ पे अपना ग्रीन जी खड़ा, और भाई कैसे है? बढ़िया सब। ग्रीन, व्हाट इज़ ओनली रेड ग्रैम्स अराउंड? भाई इसका ग्रैंडपा ही अराउंड रहता है, मेरे को पता वो कहाँ मिलेगा। घास के पास जाओ, अपने भागता हुआ आएगा। टर्न टर्न, वैसे इस गेम को मैंने फास्ट कर रखा है, क्योंकि फास्ट फॉर्म में खेलने का मज़ा ही कुछ और है। सेव कर लिया मैंने गेम को, कि गलती से भी एक भी बटन ना दब जाए बस। ओके, तो यहाँ पे आ चुके अपने प्रोफेसर ओक। चल भाई लेके चल मेरे को अपना रिसर्च लैब में। भाई फास्ट करने का नज़ारा ही कुछ और रहता है। पहली बात तो फास्ट में क्या ना, इतना स्लो नहीं चलेगा। ठीक है, ग्रैम्स आई फीड अप विद वेटिंग। ओके ग्रीन, लेट मी थिंक। ओ डैट राइट, आई टोल्ड यू टू कम, जस्ट वेट हेयर रेड, देयर आर थ्री पोकेमोन्स हेयर। हाहा, द पोकेमोन आर हेल्ड इनसाइड दिस पोकेबॉल्स। ठीक है भाई, मैं समझ चुका हूँ इधर क्या क्या सीन हो रखा है। मतलब हमें तीनों में से कोई एक पोकेमोन चुनना है। ग्रीन कह रहा है दिस इज़ नॉट फेयर, भाई मेरी पहले बारी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बारी आ गई, क्योंकि मेरे को पता है गेम अपन लोग खेल रहे हैं तो पहली बारी भी अपनी होनी चाहिए। बल्बसोर तो मैं सोच कर भी नहीं लेने वाला। स्क्वर्टल भी लेना चाहता था, लेकिन ये रेड के ऊपर है तो मैं ये भी लेने चाहता। बचा चार्मेंडर, जो कि मैं लेने वाला हूँ। यस, अपने पास आ चुका है अपना चार्मेंडर गाइज। नो भाई, मेरे को इसका कोई भी निकनेम नहीं रखना। इसने स्क्वार्टर लिया, मेरे को पता था भाई, जो इसके पास मतलब कि स्टार्टर रहेगा। चलो भाई चलते। ओ आ गया, हाँ हाँ आ जा बेटा, देखता हूँ कौन ज़्यादा ताकतवर है। वैसे तो अभी ताकत तो शायद ये रहेगा, इसके पास एडवांटेज है, देखते फिर भी। ओके भाई, मेरे को पता है यार, मैंने ऐश ग्रे खेल रखा है, मेरे को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। बाकी इस गेम को मैंने बहुत पहले खेला था, क्योंकि यही गेम थी जो मेरे पास पहले थी। बाकी स्क्रैच स्क्रैच करके मेरे को इसे मारना होगा। इसके पास, ओ भाई कुछ नहीं किया। ओ ये मेरा डिफेंस फेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले मैं इसको मारना चाहता हूँ। बेटा यही करते रहे, और कोई काम धंधा तो है नहीं। अब आया ना अपनी औकात पे। ओ भाई बस अब ये गया, अब बेटा तू गया, ख़त्म। पहला ही मैच हम लोग जीत चुके अपने ही राइवल से, अच्छी बात है भाई। पहला मैच जीतने पे थोड़ा बहुत तो शुभ सीन रहता ही है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, 80 रुपया मिल चुका है हमें, एसलेट प्राइज मनी भी मिल चुका है। ठीक है यार, ठीक है भाई, ये कह के गया कि भाई मैं तुझसे बाद में मिलूंगा, और मेरे को पता भी मुझे कहाँ जाना है, बाकी माता वाता से मिलना है कि नहीं, बाद में मिलेंगे यार। लुक लुक आई कॉपीड व्हाट से ट्रेनर टिप्स। भाई स्टार्ट मेन्यू के बारे में ट्रेनर टिप्स दे रही थी। पीजी मेरे को इस गेम में लेना चाहिए या नहीं, वो मैंने अभी तक सोचा नहीं है, बाद में सोचेंगे। अभी तो फिलहाल फिर से पीजी, यहाँ पे पीजी बहुत आएंगे, गारंटी है मेरी। बाकी लेवल अप करने में क्या जाता अपना।
लेवल अप करते रहेंगे और नज़ारे लेते रहेंगे, बस ये ख़त्म। अपना भी अगर शुरू में ट्रेनिंग हो जाए ना तो ज़्यादा सही रहता है, जिससे कि क्या होगा, अरे यार मैं क्या बटन दबा रहा हूँ यार, फिर से पीजी। मेरे को पता है यार यहाँ पे पीजी ज़्यादा मिलेंगे, बाद में विरिडियन फॉरेस्ट में कुछ पोकेमोन्स मिल सकते हैं, उसमें से मैं सोचूंगा कि मुझे कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। वैसे मैं बकवास कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, मेरे को पता है, बस इनको जल्दी से मार के प्रोफेसर को उनका पार्सल दे आते हैं। तो जल्दी से भाई यहाँ पे 7वां लेवल हो चुका है अपना, जो कि अच्छी बात है। एम्बर सीख गया, वाह यार। और मैंने इस कोटल को क्यों नहीं लिया, उसके पीछे भी एक रीज़न है यार, बता दूँ। और वो रीज़न ये है कि भाई अभी हम लोग फायर रेड खेल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि रेड का जो स्टार्टर था वो चेंज हो। बाकी अगर किसी दिन मैं, मेरे को रेडिकल रेड भी खेलना है, द लास्ट फायर रेड भी खेलना है, सारी गेम्स खेलूँगा। बाकी कोई अभी नई गेम भी ढूंढ रहा हूँ, बहुत सारी गेम्स है यार, बहुत बनी है। सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर जाके अपने चार्मेंटर को हील कराता हूँ। जल्दी नर्स जो है, बहुत दिनों बाद आपका थोबड़ा देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ यार, मैं तो जल्दी आपसे मिलूँगा, मतलब हर सिटी में इससे मैं मिलता ज़रूर हूँ, क्योंकि एक यही है। अरे हाँ भाई, मैं पहले टाउन से हूँ, यू नो प्रोफेसर ऑफ राइट, हीज ऑर्डर कम इन, कैन आई गेट यू टू टेक टू हिम रेड रिसीव्ड। अरे यार मेरे को पता, ओक का पार्सल मिल चुका है, बाकी महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए मैं इधर से कुछ ख़रीदने नहीं वाला हूँ भाई, समझा करो यार, यहाँ महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे ताकि जल्दी पहुँच सके। बाकी अभी यहाँ से फुल स्पीड में भागूँगा, भाग। अरे भाई रुक, कैसे गया? तो जल्दी से हम लोग पहुँच चुके हैं, यार ग्रीन का हाउस है क्या? अच्छा, मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 ही घर है। ले बेटा अपना ये जो क्या है, पार्सल वार्सल ले, ठीक है, ऐश कर बेटा। तो भी अपने को अपना सामान मिलने वाला है, मिल चुका नहीं है, मिलने वाला है। ऑलराइट, आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू टू। भाई मेरे को पता है रे, तो क्यों इतना चोड़बाजी में मार रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ मेरे को पता है। बाकी थोड़ा सा साउंड बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं भाई, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा ऐसे। बाकी अपने को पोकेबॉल्स दे दिए, इसमें 5 या 6 होगी गारंटेड हूँ मैं। बाकी कहेगा अपना पैसा कमाओ लेके आओ, तो जल्दी से चलो करते हैं अभी। बाकी ये बल्बस और कौन लेगा यार, ये मैंने आज तक सोचा ही नहीं, तो निकल बे। ये मेरे को आधे घंटे से एक ही चीज़ बोलता रहेगा। रनिंग शूज़ मिले मुझे? बात करनी पड़ेगी शायद माता से, वही देगी हमें। रेस्ट नहीं चाहिए भाई, तुम लोग क्या पोपट कर रहे हो हमारा। तो अपने पास आ चुका है अपना स्टार्टर चार्मेंडर, जो कि अपना साथी बनेगा। यार देखो अपने पास आ चुका है स्टार्टर, तो गाइज अभी जल्दी से इसको मारता हूँ और बाकी आगे की बात करता हूँ। एम्बर से ख़त्म हो जाना चाहिए वैसे से। डबल एम्बर लेगा क्या बेटा? ये ले, खुश रहो तुम, बस यही हमारी दुआ है। हाँ तो मैं ये कहना चाहता था कि यार यहाँ पे मतलब कि हमें पता क्या करना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चार मिनटर हमें हमारा स्टार्टर मिल चुका है, और जल्द हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि भाई अभी बहुत हो गया, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन 9 की तो बनी चुकी है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस।